फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव में ठेकेदारों के जरिए बोगस और घटिया क्वालिटी के काम कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं। आवामी पैसों का बेदरही इस्तेमाल बेरहमाना अंदाज में किया जाता है। क्या सत्ताधारी, क्या अपोजिशन, क्या प्रशासन, हर कोई अपने हिस्से का कमीशन लेकर चुपकी अफीम चाट लेते हैं। यही वजह है कि ना कोई वेरिफिकेशन होता है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है और ना ही काम की कभी क्वालिटी चेक की जाती है, जिसकी वजह से ठेकेदार बेखौफी से अपने बोगस कामों को अंजाम देते रहते हैं। ताज़ा मामला आगरा रोड की नई सड़क के ठीक बगल में बनने वाली गटर का है। सड़क के साथ साथ बनने वाली इस गटर का मकसद रोड और दीगर इलाकों से आने वाले गंदे पानी को एक बड़े नाले में जोड़कर ड्रेनेज सिस्टम को सही करना था, मगर इस गटर के काम की क्वालिटी को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, हमें उसी इलाके के रहने वाले एक जिम्मेदार शहरी ने भेजी है, जिसमें आप देखेंगे कि अभी से ये सड़क खस्ता हाल दिखाई देने लगी है। कई जगह से या तो गटर का प्लास्टर जो कि ठीक तरीके से हुआ ही नहीं था वो नजर आता है, या फिर प्लास्टर हुआ तो होगा मगर पानी के तेज बहाव से जगह जगह उखड़ गया है, क्योंकि कई जगह से गटर की तामीर में लगने वाली खड़ी झांकती हुई नजर आ रही है। कोया हर किसी को शर्फ दीदार का मौका दे रही है। आपको बता दे कि तामीर अभी जारी है, तो अब से ही ये हाल है, आगे अल्लाह हाफिज। नए फरहान हॉस्पिटल के ठीक पहले नईम ऑटो कंसल्टेंट शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में गटर का गंदा पानी लीक होकर जमा होने लगा है। अगर ये गटर ठीक तरीके से बनी होती और इसमें लगने वाला मटेरियल, खासतौर से बात करें सीमेंट की, अगर सही मकदार में मिलाया जाता तो ये गटर इस तरीके से लीक नहीं होती। बेसमेंट की दीवार से लगकर बनने वाली इस सड़क की पूरी पोल पट्टी बेसमेंट ने खोलकर रख दी है। अक्सर हम में से कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि नलों से गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। दरअसल ऐसी गटरों के लीकेज से निकलता हुआ गंदा पानी जो कि जमीन में जमा हो जाता है, और अगर इत्तेफाक से वहां से पानी की पाइप लाइन गुजरती है जो कि जंग आलूद है, बोसीदा है, और पाइप झरझर हो जाता है, पाइप लीकेज हो जाता है, तो उसके जरिए आपके घरों तक आने वाले पानी में ये बदबूदार पानी मिक्स होकर पहुंचता है और नित नई बीमारियों को पनपने का मौका मिलता है। कारपोरेशन इंतजामिया को चाहिए कि जेर तामीर इस गटर का ईमानदाराना तौर पर जायजा लिया जाए, उसकी क्वालिटी की जाँच की जाए। अगर क्वालिटी घटिया है तो उसको बेहतर बनाया जाए, जैसा कि नजर आ रहा है क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो उस क्वालिटी को चेक किया जाए, ठेकेदार को पनिशमेंट किया जाए, ताकि वो तमाम ठेकेदार जो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो ठेकेदार इस तरह के कामों से बाज आ जाए। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के करोड़ों रुपए आवामी कामों में लगते हैं, मगर पैसे तो जाते हैं, मगर ठीक उसी जगह जहां पर ये तामीर बताई जाती है, कुछ अरसे के बाद दोबारा वहां पर फिर तामीर के लिए टेंडर निकलता है। एक ही गटरों को बार बार बनाया जाता है, एक ही सड़क को बार बार बनाया जाता है, मगर ऐसा नहीं होता कि एक बार में अच्छी क्वालिटी का काम किया जाए, ताकि वो गटर, वो सड़क या वो जेर तामीर इमारत जो है वो बरसा बरस तक चले और नया पैसा किसी नए काम में लगे, ताकि मालेगांव शहर वाकई विकास की एक सूरत दिखाई पड़े, यहाँ कामों का जाल नजर आ जाए। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ सिर्फ आवामी पैसों का बेरहमाना इस्तेमाल होता है। इस तरह की तामीरात कागजों पर तो दिखाई देती है, मगर सड़कों पर, जमीनों पर इस तरह के कामों का फुकदान है, और काम अगर होता भी है तो इतनी घटिया क्वालिटी का काम होता है कि वो कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों तक चलता है, और फिर नए आने वाले सालों में उसी काम के लिए एक नया टेंडर, एक नया ठेकेदार, फिर नए तर्ज से आवामी पैसों की लूट खसोट हो जाती है, जो कि बंद होना चाहिए। ऐसी तमाम पोल पट्टी खोलने वाली खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।